नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जराहट के। दोस्तों, जानिए किस रंग की कुर्सी का इस्तेमाल करने से धन का आगमन बढ़ता है घर में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि जिन लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें बहुत बढ़िया टिप्स, जानकारी एवं उपाय लेके आते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आपके ऑफिस में आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसका रंग और वो किस धातु की बनी है, इसका असर आपकी सफलता और असफलता पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुर्सी के रंग और धातु के आधार पर उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। ये विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, लोहे की कुर्सी पर बैठने से व्यक्ति का कारोबार मंदा पड़ता है, इसीलिए कभी भी व्यापारी को लोहे की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। काले रंग की कुर्सी का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे होने की संभावना रहती है। एल्युमिनियम की कुर्सी पर बैठने से व्यक्ति को अचानक से हानि का सामना करना पड़ता है, इसीलिए घर में या ऑफिस में एल्युमिनियम की कुर्सी भी नहीं होनी चाहिए। भूरे अथवा नीले रंग की कुर्सी पर बैठने से अत्यधिक हानि अथवा लाभ की संभावनाएं बनती हैं। हरे रंग की कुर्सी पर बैठकर व्यापार करने से धन का आगमन बढ़ता है, अतः हमें हमारे घर या ऑफिस में हरे रंग की कुर्सियां रखनी चाहिए, जिससे हमारा धन और व्यापार बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि घर या ऑफिस में हमें किस रंग की कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन का आगमन बढ़ता रहे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।